हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। दोस्तों, हमने एक नेवी पर क्वेश्चन डाला था, नेवी क्वेश्चन के नाम से शॉर्ट्स में, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, वहां जाकर आप उस शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व करना था। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, इधर से पाकिस्तानी फाइटर शिप थी, ठीक है, और इस तरफ थी हमारे भारत की फाइटर शिप, ठीक है। यहां से ये मिसाइल छोड़ती है 45 डिग्री एंगल पर, कितने 45 डिग्री एंगल पर मिसाइल छोड़ती है, और इधर से हमारे भारत की भी जो फाइटर शिप थी वो 45 डिग्री एंगल पर मिसाइल छोड़ती है। दोनों तरफ से मिसाइल 45 डिग्री पर छोड़ी जा रही है, और ये जो है ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है, और समुद्र से ये 2000 मीटर, कितना 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाकर दोनों ही क्या हो जाती है, एक दूसरे से टकरा जाती है, यानी यहाँ पर एक दूसरे से क्या हो जाती है, क्रॉस हो जाती है, एक दूसरे से क्या हो जाती है, टकरा जाती है। तो आपको बताना था कि ये वाली जो शिप है और ये वाली जो शिप है, ये दोनों ही शिपों के बीच की जो दूरी है ये कितनी, एक दूसरे से ये शिप कितनी दूरी पर स्थित है, ये आपको बताना था। तो किस तरीके से आप बताओगे, तो यहाँ आपने लगेगी ट्रिग्नोमेट्री, क्या लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ इस तरीके के डायग्राम बन रहा, देखिए इसी तरीके का बन रहा है, यानी इस तरफ से भी ये कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है कि नहीं है, इस तरफ भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है, इस तरफ भी 45 डिग्री, इस तरफ भी 45 डिग्री। अब देखो ये 45, ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, ये 90, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कैसे होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होनी चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180, यानी ये भी कितना है 45 डिग्री, और ये भी कितना है 45 डिग्री। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, आपको मैंने एक रेशियो बताया था, 45 डिग्री का कोण दे रखा है, दूसरा भी अगर 45 डिग्री का कोण दे रखा है, और तीसरा 90 डिग्री का दे रखा है। ये रेशियो अगर आपके दिमाग में नहीं है, तो आप हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से 45 डिग्री और 90 डिग्री के हम जो साइड के रेशियो है वो निकालते हैं। तो इनके रेशियो हो जाएगा 1:1 और √2, क्या हो जाएगा, 1:1 और √2, इसके क्या हो जाएंगे, रेशियो हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले 45 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होगी, एक होगी, यानी 45 इसके सामने वाली भुजा एक, दूसरा 45 कौन सा है, ये 45 इसके सामने वाली भुजा, ये भी कितनी होगी, एक होगी, एक एक रेशियो में होगी। उसी प्रकार से ये 45 के सामने ये भुजा एक के रेशियो में होगी, ये 45 डिग्री के सामने वाली जो भुजा ये वाली, ये भी किस रेशियो में होगी, एक रेशियो में, यानी एक 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 अनुपात एक में होगी। और जो 90 डिग्री वाले हैं, ये 90 डिग्री सामने वाले, तो ये कितनी होगी, √2, 90 डिग्री सामने वाली कौन सी होगी, √2। अब हमारे को पूछा था कि दोनों जो ये फाइटर शिप है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो देखिए इधर से यहां तक तो कितना हो जाएगा, एक, इधर से यहां तक भी कितना हो जाएगा, एक, यानी टोटल जो दूरी है दोनों नावों के बीच की वो कितनी है, दो, यानी कोई भी अगर इसमें एक भुजा भी मिल जाए उसको हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली टोटल जो भुजा है वो हमारे को मिल जाएगी, यानी दोनों जो फाइटर शिप है उनके बीच की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ हमें मिल रहा है 2000 मीटर, ये जो दूरी है ये किसके बराबर है, एक के बराबर, तो यहाँ नीचे कितना लिख लेंगे, एक, क्योंकि इसका भी मान इसके लिए एक है, इस त्रिभुज का मान भी इस भुजा के लिए कितना है, एक है, तो ये किसके बराबर है, एक के बराबर। और हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो पूरी दूरी है ये ज्ञात करना है, ये पूरी दूरी कितनी देर की है, दो देर की। अब जैसे ही 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4000, और किसमें आएगा, ये किसमें आएगा, देखिए मीटर में देर का, तो ये भी किसमें आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, यानी 4000 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी, यानी दोनों ही फाइटर शिप के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 4000 मीटर होगी, कितनी होगी, 4000 मीटर होगी। तो इस तरीके से इसको निकालना होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे सीखेंगे नए वीडियो में नया टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद।